मंच पर आए और यह घोषित पुरस्कार प्राप्त करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर श्री चंदन यादव जी को, वह अपने द्वारा घोषित पुरस्कार मंच के सामने कृपया जाएं और अपने द्वारा घोषित पुरस्कार टीम के मैनेजर्स को प्रदान करें। श्री चंदन जी, श्री चंदन यादव जी, आपसे अनुरोध, कृपया आगे आए मंच के। वितरकों को जोरदार तालियों से प्रोत्साहित करें ताकि ढेर सारी खिलाड़ियों को प्रदान करें। आज के अर्धशतक वीर श्री राजेश सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और श्री अमित कुमार मोहंता की ओर से घोषित पुरस्कार राशि प्राप्त करें। राजेश, इसने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आज सुपौल की टीम, सुपौल का शान है, काफी शानदार प्रदर्शन किया इसने इस पूरे टूर्नामेंट। और यह है राजेश सिंह अपने पुरस्कार को ग्रहण करते हुए। इस टूर्नामेंट में दो फॉर्मेट में टूर्नामेंट हुआ था, एक T20 मैच का सीरीज हुआ था, उसमें भी राजेश ने मैन ऑफ द सीरीज जीता और आमंत्रण कप में भी मैन ऑफ द सीरीज जीता। मैन ऑफ द सीरीज रहे, आमंत्रण कप में 25,000 रूपए की राशि पुरस्कार की घोषणा प्रदान की गई है। दर्शक है जिन्होंने उसे प्रदान करने के लिए राहुल चौधरी, दर्शकों से अनुरोध, जोरदार तालियों से छोटे खिलाड़ियों को ग्राउंड के बाहर पकड़ा और नवीन गुप्ता जी की तरफ से 1,000 रूपए की इनामी राशि थी। दो खिलेंद्र कुमार और मोहम्मद दर्शकों ने कैच पकड़े और 1,000 रूपए की राशि आयोजन समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार जिसे समय कुमार गुप्ता चौधरी, राहुल चौधरी दे रहे उन्हें ये पुरस्कार। एक और ये दर्शक जिन्होंने कैच पकड़ा था छक्के पर बाहर और 1,000 रूपए की राशि जीती। अमित मंडल का जी के द्वारा दिया जाएगा। अमित भैया एवं सीपीएन शेखर को कैच के रूप में पुरस्कार प्रदान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर भाजपा नेता श्री बैजी चौधरी जी से, कृपया मंच पर आए। मोमेंटो के रूप में भी हमारी एक प्रथा रही है कि हम आयोजन समिति की ओर से अपने कमेंटेटर्स को कुछ उपहार प्रदान करते हैं। इस उपहार को प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक एक्टिव सदस्य भाजपा नेता श्री महेश देव जी से। वह मंच पर और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीसीए पैनल्स के सभी अंपायर विनय कुमार झा जी, श्री अभय कुमार, श्री अनिल गुप्ता जी को। इस टूर्नामेंट का जो ये शानदार स्तर बना रहता है उसका सबसे एक मुख्य कारण है कि बीसीए के पैनल अंपायर्स इस समय इस टूर्नामेंट में लगातार अंपायरिंग करते हैं जिससे किस प्रकार के गलती की गुंजाइश नहीं रह कमेंट्री ना कैश पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर सुपौल भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्री गौरव गुप्ता जी को, जिनके द्वारा हमारे अंपायर्स का निर्णायकों का सारा खर्च वहन किया गया। और इसी प्रथा में आगे बढ़ते हुए मोमेंटो देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा लायंस क्लब सुपौल कोशी के सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह पप्पू जी से। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है श्री धर्मेंद्र सिंह पप्पू जी के हाथ में वो मोमेंटो प्रदान करें। सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच सुपौल के तारिक जमीन से मैं अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए। कल के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे सेमीफाइनल के, 53 रन बनाए थे उन्होंने और 2 विकेट लिए थे। प्रतिदिन की भांति जो 2,000 रुपए की कैश पुरस्कार राशि दी जा रही है
एमएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आनंद अग्रवाल जी को मैं मंच में आमंत्रित करूंगा। वो अपने द्वारा घोषित 2000 रुपए की पुरस्कार राशि तारिक जमील मैन ऑफ द मैच स्कैन करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्री प्रशांत कुमार मंजू जी से वो अपने हाथों से यह ट्रॉफी प्रदान करेंगे मैन ऑफ द मैच की। और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी प्रदान करते हुए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि को कैश के रूप में प्रदान की जा रही है। और ट्रॉफी प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम यादव जी को। और इस समय हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राधेश्याम यादव जी इन्होंने 17 ओवर में कुल 3 मैचेस में 17 ओवर में 95 रन देकर 9 विकेट अर्जित की अपनी टीम के लिए और फाइनल तक पहुंचने में योगदान। कैश पुरस्कार देने के लिए मैं शिवम प्रकाश यादव जी को सुपौल जिला जदयू पुरस्कार जिनके द्वारा 5000 रुपए की घोषणा की गई। और ट्रॉफी प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पर हमारे अभिभावक श्री नागेंद्र के संयोजक है एवं दूर से आए हैं सुपौल की धरती पर आमंत्रण कप का मजा लेने के लिए। और इधर देखो तुम्हें हम मंच पे बल्लेबाजी की थी मुश्ताक अली के टूर्नामेंट मुश्ताक अली के खिलाड़ी काफी बड़े खिलाड़ी बिहार के आपके बीच इस समय मौजूद प्रकाश यादव जी के द्वारा घोषित 5000 रुपए की पुरस्कार राशि इनको प्रदान की गई श्री श्याम यादव के द्वारा। दर्शकों से अनुरोध रहेगा जोरदार तालियों से सरफराज जैसे सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें ताकि मैन ऑफ द सीरीज घोषित हुए हैं सुपौल के ऑलराउंडर मुश्ताक अली ट्रॉफी के प्लेयर राजेश सिंह और मैन ऑफ द सीरीज को खेल रहे हैं डॉक्टर विमल कुमार की तरफ से ये प्राइजित राशि थी और ये राशि यहां पे प्राप्त कर रहे हैं राजेश सिंह 25,000 रुपए की राशि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द सीरीज में आज अपने जलवे बिखेरते हुए राजेश सिंह ने इस हक को प्राप्त किया और मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी प्राप्त करते हुए यहां पर राजेश सिंह मैन ऑफ द सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी प्राप्त करते हुए राजेश सिंह प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहे हैं आज काफी मायूस हैं इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि आज हमारी टीम आमंत्रण कप पर कब्जा नहीं कर पाएगी। शुभकामना कप के आयोजक रिंकू सिंह शेखावत नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर बड़ा लाजवाब आयोजन होता है रिंकू सिंह शेखावत का शुभकामना कप पर शर्मा में कोहली ग्राउंड पर सुपौल की टीम डॉक्टर विनय कुमार के कोच और मैनेजर की हस्ती से आज आए थे और रिंकू सिंह शेखावत की टीम चैंपियन भी बनी। धन्यवाद विनिंग अमाउंट के लिए और इसके बाद आपने बल्लेबाजी का फैसला किया है आप क्या सोचते हैं इस पे? तो मैं आसमान खान का आभारी रहूंगा कि उन्होंने जिसके बैटिंग करने का ऑफर किया तो उस मुकाबले क्योंकि विकेट हम लोग पिछले 5 मैच यहाँ खेले हुए थे T20 में भी और फिर 2 मुकाबले इधर तो कुल मिला के 5 मैचों में हम लोगों ने बैटिंग किया एक मैच हमने चेज करके जीता था क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे बैटिंग करना क्योंकि जब तक आप यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं होंगे स्टे करके नहीं खेलेंगे तो आप रन नहीं कर सकते वही किया आज बॉल पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने बॉल ज़्यादा खेले हूँ और रन कम बनाया है लेकिन मेरे टीम के लिए वो अच्छा था जो कि हम लोग 180+190 तक है ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। आप टीम ने कुल 190 रन बनाए थे और उसके कहीं ना कहीं आप लोगों का उत्साह ज्यादा था और आप ये जान रहे थे कि अगर सही ढंग से क्षेत्र रक्षण कर लिया जाए तो इस मैच में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल मुझे अपने बॉलिंग अटैक जो भी मेरे थे विपुल सुभाष और जितने भी सारे मेरे जितने भी बॉलर थे रजीत और क्या कहते हैं तारिक जो भी था वो मुझे पता था कि मेरे बॉलर बहुत अच्छे हैं और जिन्होंने करके दिखाया पिछले 5 मैचों में उन्होंने आज भी अच्छा किया जो मैं उन लोगों का शुक्रिया कहूंगा कि जो और हम लोगों के साथी हैं रजनीश गौर जिन्होंने हर टाइम में हम लोगों को सपोर्ट किया कि बताया कि यहाँ पे ये करना है तो सारी टीम हमारी यूनिट बहुत अच्छी थी हमारा विकेट कीपर बहुत अच्छा विकेट कीपिंग कर रहा था बहुत ही छोटे उम्र का है और इतना अच्छा विकेट कीपर मैंने तो शायद बिहार में नहीं देखा जो कीपिंग कर रहा था बहुत ही अच्छा उसका टैलेंट अगर वो मेहनत करे तो बहुत ऊपर तक खेल सकता है।
धन्यवाद राजेश, आपकी टीम को बधाई और आने वाले समय के लिए आप और बेहतर करेंगे। आपकी टीम ने लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था फाइनल में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके डिसीजन में थोड़ा सा चूक हुआ था, टॉस जब मैच जब दो थे बहुत ज्यादा वहां डिसीजन निकलता है कि टॉस हारने के टॉप जीतने के बाद आपने पहले फील्डिंग किया, अगली टीम को बल्लेबाजी करने दी। हमारी टीम जो थी वो हमारी टीम जो भी जितने बैट्समैन थे ऊपर के सब अच्छे क्लास के बैट्समैन हैं और बिहार लेवल के जो भी रणजी ट्रॉफी मुस्ताक अली और विजय हजारे के जो भी प्लेयर हैं सब उसने अचीव किया है सारा टूर्नामेंट। तो क्रिकेट की जहाँ तक बात है ऊपर की टॉप ऑर्डर जो थी हमारी वो क्लैप्स हो गई और क्या कह सकता है जब लूज हो गए तो बहुत बढ़िया खेलती रही है आपकी टीम पूरे टूर्नामेंट में और यही इसका परिणाम था कि आपकी टीम फाइनल में भी थी। निश्चित रूप से आपकी टीम की बहुत लंबी सूची थी बल्लेबाजों की और बड़े बड़े नाम थे। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हार्ड लक आपको, लेकिन शुभकामना है, आगे इसी तरह से खेलते रहेंगे। एक सवाल छोटा सा आपको, आयोजन समिति में जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हुए उसके बारे में आप अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया दें। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और काफी अच्छा, मैं थैंक यू बोलूंगा नवीन भैया को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए और मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार भी मैं आऊँ से यहाँ पर दो पे अभिनंदन में मैं चैंपियन हुआ था तो अनिल भैया ने मुझे इनवाइट किया इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। बैड लक था हमारा जो हमने फाइनल लूज कर गए, लेकिन कोशिश रहेगी अगले बार से कि और अच्छा खेले और अच्छा परफॉर्मेंस करे। थैंक यू अफसान। विजेता को 1,00,000 इनामी राशि के प्रायोजक श्री राधे श्याम यादव जी संबोधित कर रहे हैं। पुलिस कप्तान मोहन बाबू, मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार, राधे श्याम बाबू, हमारे सभी आयुक्त मंडल के प्रत्येक सदस्यगण, मीडिया, सुपौल के खेल प्रशंसक इस बधाई को स्वीकार करें और अगले साल एक नई आशा के साथ में जिस तरह से इस आयोजन को किया है उसे बेहतर करने के लिए, बेहतर माहौल देने के लिए और बेहतर प्रदर्शन के लिए मैं अग्रिम शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है और यह राशि प्रदान की जा रही है आयोजन समिति के संरक्षकगण, हमारे अभिभावक एवं 50,000 श्री प्रकाश यादव जी, श्री राघवेंद्र जी, राघव जी एवं श्री विनय भूषण सिंह जी से 50,000 रुपए टीम के कप्तान अफसान खान का ये रनर ट्रॉफी आमंत्रण कप की ग्रहण कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। समस्तीपुर टीम के कप्तान अफसान खान रनर ट्रॉफी प्राप्त करते हुए राधे श्याम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हमारे शक्ति डॉक्टर राधे श्याम यादव जी के द्वारा और ट्रॉफी प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय पुलिस अधीक्षक सुपौल श्री मनोज कुमार जी से 1,00,000 रुपए की राशि राधे श्याम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राधे श्याम यादव जी द्वारा मनोज कुमार जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाएगा। बहुत बढ़िया। राजेश सिंह एंडी वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लाजवाब परफॉर्मेंस। ओवरऑल लगातार 6 मैच जीतकर इस टूर्नामेंट पर कब्जा करने के लिए राजेश सिंह को की टीम को 6 मैच जीतने पड़े। ओवरऑल लाजवाब परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर
सुपौल की टीम चैंपियन बनी है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुपौल की टीम के सारे खिलाड़ियों को जोश, उत्साह, जुनून और पैशन में नहाते हुए बड़ा ही लाजवाब परफॉर्मेंस, 1,00,000 रुपए की इनामी राशि और साथ ही ये शानदार कप। हमारे सभी आयोजक और आयोजक बंधु शेखावत दिखलाई पड़ रहे हैं, हम इतना बड़ा कार्यक्रम को जिनके मार्गदर्शन टीम चैंपियन, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से समापन किया जा रहा है इस कार्यक्रम का, धन्यवाद।